हे गाइस, वेलकम बैक टू ऋग्देव। एंड आज हम बात करने वाले हैं TWS हेडफोन के बारे में। अगर आप भी बाय करना चाहते हो ऑलमोस्ट 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए के अंदर आने वाला काफी ज्यादा बढ़िया TWS हेडफोन, जहां पर आपको बैटरी लाइफ अच्छा देखने को मिले, काफी ज्यादा बढ़िया साउंड क्वालिटी हो, देन इस वीडियो को आप देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम ऐसी 3 TWS हेडफोन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको ऑलमोस्ट 1000 रुपए प्राइस सेगमेंट से लेके 1500 रुपए प्राइस सेगमेंट के अंदर देखने को मिलता है। इस वीडियो पे इन 3 TWS हेडफोन के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं और किसका प्राइस किस सेगमेंट के अंदर कितना ज्यादा बढ़िया होने वाला है, वो भी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो ज्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। बात करते हैं लिस्ट के अंदर आने वाला पहला हेडफोन के बारे में, जो कि आता है बुलेट ऑडियो एयरपॉड्स, जिसका कि आप दोस्तों डिजाइन देख सकते हैं। ये जो हेडफोन है वो flipkart.com पे 1199 रुपए प्राइस सेगमेंट के अंदर देखने को मिलता है। और फिलहाल इस हेडफोन का आप डिजाइन देख सकते हैं, इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया डिजाइन है। एप्पल का एयरपॉड जैसा डिजाइन प्रोवाइड किया गया है, जो कि यार मेरे ख्याल से उतना ज्यादा खराब नहीं है, काफी ज्यादा बढ़िया डिजाइन है। और उसके साथ यहाँ पर आपको बुलेट ऑडियो का ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है। बात करें इस हेडफोन की कुछ यूनिक स्पेसिफिकेशन, लाइक सबसे पहले इस हेडफोन के अंदर आपको 20 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है, यानी आप अगर एक बार चार्ज कर लेते हैं तो ये जो हेडफोन है वो 20 घंटे तक नॉनस्टॉप चलने वाला है। उसके साथ साथ ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट, 13mm का डायनामिक ड्राइवर प्रोवाइड किया गया है, जिसकी माध्यम से इस हेडफोन के अंदर जो साउंड क्वालिटी है, जो बेस है, जो ट्रेवल है, वो काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से सुनाई देने वाला है। और दोस्तों उसके साथ ये जो हेडफोन है वो वाटर रेजिस्टेंस यानी IPX5 का रेटिंग के साथ आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हो जाता है पानी का अगर छोटा बहुत छींटा लग जाता है तो ये जो हेडफोन है वो खराब नहीं होने वाला है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो उसके साथ साथ ये जो हेडफोन है वो टाइप सी का फास्ट चार्जिंग के साथ आपको देखने को मिलता है, फुल्ली टच कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट, डुअल माइक्रोफोन सपोर्ट, जिसकी माध्यम से आप कॉलिंग वगैरह भी काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से इस TWS हेडफोन की माध्यम से कर सकते हैं। और इतना सारा पैकेज आपको, इतना सारा स्पेसिफिकेशन आपको ऑलमोस्ट 1200 रुपए के अंदर एक TWS हेडफोन पे देखने को मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा बढ़िया TWS हेडफोन है। आप भी अगर 1200 रुपए के अंदर काफी ज्यादा बढ़िया TWS हेडफोन बाय करना चाहते हैं, देन आप बुलेट ऑडियो एयरपॉड्स TWS हेडफोन को जरूर देख सकते हैं। लिस्ट पे जो सेकंड TWS है वो आता है बोट एयरपॉड्स 141 TWS एयरबड्स, जिसका कि आप डिजाइन देख सकते हैं। फिलहाल ये जो TWS है ऑलमोस्ट 1500 रुपए के अंदर वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग TWS के अंदर भी निकल के आ जाता है। दोस्तों जो TWS है काफी ज्यादा बढ़िया डिजाइन के अंदर आपको देखने को मिलता है। और बोट के बारे में तो आप सभी जानते हैं, काफी ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट बनाता है मोबाइल एक्सेसरीज की मार्केट पे, और इंडियन मार्केट पे top 1 या फिर number 1 एक्सेसरीज ब्रांड भी बोट आज की डेट पे बन चुका है। और फिलहाल ये जो TWS हेडफोन है, अगर बात करें इसके कुछ स्पेसिफिकेशन, लाइक सबसे पहले 42 आवर्स का यानी आपको ऑलमोस्ट 2 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, या फिर प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है, यानी सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप या फिर आप कह सकते हैं प्लेबैक टाइम आपको इस प्राइस सेगमेंट के अंदर बोट एयरपॉड्स 141 TWS के अंदर देखने को मिलता है, जो कि यार काफी अमेजिंग फीचर हो जाता है। उसके साथ दोस्तों जो TWS हेडफोन है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, यानी आप 5 मिनट फास्ट चार्ज करने के साथ साथ, यानी 5 मिनट चार्ज में बिठाने के बाद आप ऑलमोस्ट 75 मिनट्स का प्लेबैक टाइम ले सकते हैं। दोस्तों जो TWS है वो काफी सारे बेहतरीन स्पेसिफिकेशन, लाइक 12mm का डायनामिक ड्राइवर, जिसकी माध्यम से इस TWS के अंदर जो साउंड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है, जो बेस है वो काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। डुअल माइक्रोफोन सपोर्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है, जो कॉलिंग के अंदर जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाला है डुअल माइक्रोफोन की माध्यम से। और उसके साथ दोस्तों जो TWS है वो IPX4 का वाटर रेजिस्टेंस भी सपोर्ट करता है, टच कंट्रोल भी सपोर्ट करता है, और उसके साथ जो TWS है वो ब्लूटूथ 5.1 सपोर्ट के अंदर भी देखने को मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से बोट की तरफ से बोट एयरपॉड्स 141 जो TWS है वो बेस्ट सेलिंग TWS के अंदर भी निकल कर आ जाता है और काफी सारे बेहतरीन स्पेसिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है। फिलहाल इस TWS का जो मार्केट पे प्राइस है वो है ऑलमोस्ट 1399 रुपए, यानी 1400 रुपए प्राइस सेगमेंट की सबसे काफी ज्यादा बढ़िया TWS निकल के आ जाता है। आप भी अगर इस TWS को बाय करना चाहते हो तो आप जरूर कर सकते हो। इस TWS का भी जो डायरेक्ट बाय लिंक होता है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दिया है। लिस्ट पे जो आखिरी में TWS हेडफोन है वो बेसिकली गेमिंग यूजर के लिए काफी ज्यादा बढ़िया TWS होने वाला है 1500 रुपए प्राइस सेगमेंट के अंदर, जो कि आता है ट्रूकी बर्ड्स BT G3। ये जो TWS है बेसिकली गेमिंग लोगों को यहाँ पर डेडिकेटेड किया गया है, गेमिंग टाइप का स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। गेमिंग के अंदर जो TWS हेडफोन पे एक दिक्कत होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी या फिर लेटेंसी का, वो दिक्कत आपको इस TWS के अंदर काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगा, यानी गेम खेलते टाइम भी जो TWS है वो काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से आपको साउंड वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला है। जो लेटेंसी है वो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा ही कम देखने को मिलेगा। बात करते हैं इस TWS हेडफोन की डिजाइन के बारे में, जो कि आप देख ही सकते हैं काफी ज्यादा
बढ़िया डिजाइन है, गेमिंग टाइप का आपको डिजाइन प्रोवाइड किया गया है। और अगर बात करें TWS हेडफोन की कुछ स्पेसिफिकेशन, लाइक TWS हेडफोन पे ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है और उसके साथ साथ 10 आवर्स का आपको सिंगल चार्ज प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है। दोस्तों जो TWS है वो क्विक कनेक्टिविटी, डुअल माइक्रोफोन और वॉइस असिस्टेंट, टच कंट्रोल, काफी सारे बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ आपको देखने को मिल जाता है। और इस TWS हेडफोन के अंदर आपको और एक डेडिकेटेड गेमिंग फीचर देखने को मिलता है जो कि है गेमिंग कोर चिपसेट। यानी इस चिपसेट की माध्यम से आपका जो गेमिंग के अंदर जो ऑडियो लेटेंसी है वो काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है। उसके कारण से गेम के अंदर जो साउंड है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट तरीके से आपका इस TWS के अंदर कैच होने वाला है, जो कि यार गेमिंग यूजर जो लोग गेम खेलते हैं वो लोग समझ पाएंगे इस फीचर को। और मेरे ख्याल से गेमिंग यूजर के लिए जो TWS है वो काफी ज्यादा बढ़िया हो जाता है। बाकी अगर देखा जाए तो और TWS के हिसाब से जो TWS है वो सिमिलर सा है, बट गेमिंग फीचर यहाँ पर ऐड किया गया है जो कि यार गेमिंग यूजर को यहाँ पर टारगेट करने के लिए जो फीचर है वो काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। और अगर बात करें इस TWS हेडफोन की प्राइस के बारे में, 1299 रुपए यानी 1300 रुपए के अंदर जो TWS है मार्केट के अंदर देखने को मिल जाता है। इस TWS हेडफोन का भी जो डायरेक्ट बाय लिंक होता है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दिया है। फिलहाल आप अगर गेमिंग यूजर हो या फिर गेम खेलने के लिए TWS हेडफोन को बाय कर रहे हो तो यार बिना सोचे आप ट्रू की बर्ड्स BT-G3 ट्रूली वायरलेस हेडफोन को देख सकते हो। फिलहाल दोस्तों यही था कुछ 3 TWS हेडफोन जो कि आप बाय कर सकते हो ऑलमोस्ट 1000 रुपए प्राइस सेगमेंट से लेके 1500 रुपए प्राइस सेगमेंट के अंदर। आप मुझे नीचे कमेंट पर बताइए कि आपका प्राइस सेगमेंट कितना है। फिलहाल अगर बात करूं मेरा ओपिनियन की बारे में कि आपको कौन सा TWS हेडफोन को बाय करना चाहिए, देखो यार आप अगर गेम खेलने के लिए TWS हेडफोन बाय कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रू की बर्ड्स BT-G3 हेडफोन को या फिर TWS हेडफोन को बाय करो। और आप अगर एक नॉर्मल कैजुअल यूज करने के लिए काफी ज्यादा बढ़िया साउंड क्वालिटी के अंदर, काफी ज्यादा बढ़िया ऑडियो क्वालिटी के अंदर एक TWS बाय करने की सोच रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बोट एयरपॉड्स 141 TWS हेडफोन को देख सकते हो। और आपका बजट उतना ज्यादा नहीं है, आप 1100-1200 रुपए के आसपास हो तो आप बुलेट ऑडियो ब्रांड की तरफ भी देख सकते हो। तीनों TWS खराब नहीं है, काफी ज्यादा बढ़िया है, बट यहाँ पर आपका चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्राइस दे सकते हो और आपका किस टाइप का स्पेसिफिकेशन चाहिए। तो फिलहाल मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि कौन सा TWS हेडफोन आपके लिए है। सो यार मैं बोलता हूं आपसे एक न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।